Facebook. So this is an opportunity to grow your business. So sorry, I'm muting all of you. हम बहुत सारी बातें करेंगे after our webinar is over. Are you all excited? Are you all excited to learn what's for today? Are you all excited? So you have to write, yes, only one, only craftologist says, okay. So I can see a lot of our students saying, yes, what about the guests? हमारे फ्रेंड्स जो आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वेलकम एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मैप एलुमनाई एंड प्रेजेंट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई वेलकम यू ऑल टू गजब गजानन एपिसोड 3 विच विल बी द लास्ट एपिसोड. एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका सपोर्ट पूरा रहा और हमेशा ये यहाँ पे वी वर हाउसफुल ऑल द टाइम, तो इसलिए वी वर एनकरेज. और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिन्हें आप देख रहे हैं ना, वो पहली बार आ रहे हैं, तो उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं, उन्हें डर लग रहा होता है वो कैसे बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे. आपकी एनकरेजमेंट, आपकी थोड़ी सी बड़ाई, आपका थोड़ा सा उनका उत्साह बनाना उनकी जिंदगी में उन्हें बहुत आगे लेके जा सकता है. तो क्या आप ऐसा करेंगे? आर यू रेडी टू एनकरेज देम? दे आर यंग चिल्ड्रन टू ऑल एज, जो फर्स्ट टाइम दे हैव कम. कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर देम? कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर देम? थैंक यू. आई एम सो प्राउड ऑफ मैप एलुमनाई हु इज ऑल फुल्ली एक्टिव एंड ओवर हियर. सो जो लोग नए हैं हमारे साथ दोस्त, उन्हें एंड दिस इज अ क्लोज्ड इवेंट, इसमें बाहर के लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया. उन्हीं लोग यहाँ पर हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स के रिश्तेदार हैं, वही लोग यहाँ पर हैं. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है और मैं एक कोच हूँ गिफ्ट पैकेजिंग ट्रेनिंग के लिए. मेरे पास लोग प्रोफेशनली सीखने आते हैं, जो इसे घर से काम करके या अपने स्टूडियोज खोल के करना चाहते हैं, जो इसे एज अ प्रोफेशनल लेते हैं. तो एक 6 मंथ्स का कोर्स मैं रन करती हूँ. ये वेबिनार उसी के अंदर है, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, लोगों को सिखाना. लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, एक मिशन है जिसके इनसाइड ये वेबिनार होते हैं, ताकि हर त्योहार आप बहुत पैशन से मनाएं, रिद्धि सिद्धि को लेकर आए. गणेश जी का त्योहार है ये, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हफ्तों से तैयार करते हैं. छोटी चीजें जो आपको दिखती है ना, जो वो 5 मिनट में दिखा देते हैं, उसके लिए बहुत सारी थॉट होती है. और मैं एक स्पिरिचुअल नरेटर हूँ, बुक्स को रीड करती हूँ हिंदी इंग्लिश में. बहुत खूबसूरत किताबें लोगों ने लिखी है, पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल के, और वो निचोड़ अमूल्य है. एंड एवरी डे आई लिसन. इफ यू वॉन्ट टू लिसन एट द एंड ऑफ द वेबिनार वी विल टॉक अबाउट इट. सो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे सब पार्टिसिपेंट्स का थोड़ा सा दिल भी धकधका रहा होगा. आई विल रिक्वेस्ट माई शूटिंग टीम टू कम एंड आई एम गोइंग टू नाउ स्पॉटलाइट. हमारी फर्स्ट पार्टिसिपेंट जो है अनुपमा है. सो हु इज शूटिंग अनुपमा? Yogita, sorry. So the first participant is Yogita, and I am spotlighting Yogita. And Yogita, will you please unmute yourself? You'll need to. Hello, ma'am. Hello, welcome, Yogita. And look at the wonderful combination she has created all around her. So pristine, so pious. Yogita, please अपने आप को introduce करें. Good afternoon, everyone, and welcome to another episode of Gajab Gajanan. I am Yogita Garg, a math student from Pune, and I work by the brand name Gift in Style by Yogita Garg. And today, in this webinar, I am here to share with you a quick DIY to prepare your own puja thali for this Ganesh Chaturthi. So to start, ये ना बहुत थोड़ा बता रही है. आपको पूजा थाली नहीं सिखा रही है सिर्फ, ये आपको एक ऐसा डिजाइन सिखा रही है जिसको वो मल्टीपल यूजेस हैं, उसके बहुत सारे यूज हैं. तो जल्दी से अपने नोटबुक पेन लें, अगर स्क्रीनशॉट्स लेने उसके लिए तैयार हो जाएं. चलिए योगिता, आप बताइए कि ये मल्टीपर्पज योग पूजा थाली कैसे बनेगी? यस मैम, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो, आप टेकन 3 MDF पीसेस, एक 12 इंच का है, एक 8 इंच और एक 3 इंच का. तो इन तीनों एमडीएफ के पीसेस को हम लोग फैब्रिक से कवर कर लेंगे. तो आई हैव ऑलरेडी कट अ पीस, जैसा कि आप देख रहे हो, आई हैव ऑलरेडी कट अ फैब्रिक. तो इसे हम हमारे छोटे बीच वाले 8 इंच के एमडीएफ पीस पे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट.
So So just आपने apply due to वंडरफुल the edges. Yeah. And fabric को अच्छी तरह से खींच के you just keep on pasting it round the MDF piece. तो हमारा पीस कुछ इस तरह से रेडी होके तैयार हो जाएगा एज यू कैन सी. एंड इवन आई हैव लाइंड द बैक साइड ऑफ द एमडीएफ पीस विद अ प्लेन क्लॉथ टू गिव इट अ फिनिश्ड लुक. एंड नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन इज मैंने इसी पीस के ऊपर पेस्टेड ये लेस लगा रखी है मैंने इस पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो. एंड इसके पीछे की तरफ मैंने लगाई एक एम्ब्रॉयडरी रिंग. दिस इज द सेंटर पीस ऑफ अ पूजा थाली. एंड टू गिव इट अ लिटिल थ्री डायमेंशनल लुक, अ लिटिल लिफ्ट टू दिस पीस, आई हैव अटैच्ड द एम्ब्रॉयडरी रिंग टू द तो मैं इसका बेस. हिंदी का ट्रांसलेशन कर देती हूँ। एक एमडीएफ के पीस पे आपने ब्रोकेट का कपड़ा रन किया और उसको नीट करने के लिए पीछे एक लाइनिंग लगाई और एक लेस लगाया। नीचे जो उन्होंने रिंग लगाया वो इसलिए लगाया ताकि उसको थोड़ी हाइट मिल जाए और एक लेयर का लुक आ जाए। हाँ जी मैम. ओके जी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मैंने ये बड़े वाले पीस पे भी फैब्रिक ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है. एंड द सेम सिमिलर थिंग आई हैव डन विद दिस स्मॉल पीस, और उसको मैंने लेस से लाइन कर दिया है. तो आपने दो अभी पीस प्लेन लिए और एक पीस डिजाइंड लिया। हाँ जी मैम. तो अब हम पूजा की थाली जब बना रहे हैं तो टू मेक इट लिटिल मोर ग्रेसफुल, उसे और ग्रेसफुल बनाने के लिए क्यों ना हम यहाँ पे लटकन ऐड कर दें इस पीस के ऊपर. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लटकन बना लेते हैं एंड देन विल ऐड इट ऑन द दिस एमडीएफ बेस. तो लटकन हैंगिंग बनाने के लिए मैंने इस तरह का गजरा लिया हुआ है. दिस इज ये आसानी से बाजार में मिल जाता है. तो इसी गजरे का मैंने ये छोटा पीस कट किया हुआ है और मैंने ऐसे एक लटकन ली हुई है. तो ओके, तो व्हाट वी आर कोई भी गोइंग टू डू डिजाइन दिस. की ले सकते हैं लटकन। हाँ जी मैम, लटकन कोई भी डिजाइन की ले सकते हैं ना। कोई भी ले सकते मैम, जैसा आप आपके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको जैसा डिजाइन पसंद हो वैसा हम कुछ भी ले सकते हैं. एंड दीज आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट. तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड अ थ्रेड आई एम गोइंग टू फिक्स दिस विद द गजरा. तो ये हैंगिंग बनाने के लिए थाली के चारों तरफ की गजरा लेके आर्टिफिशियल और उसके अंदर नीचे एक डिजाइन लटकन लगा दी गई है। वेरी नाइस। जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारी हैंगिंग बनके तैयार है. तो इसी तरह से मैंने चार पांच हैंगिंग्स बना ली है जो पूजा की थाली के आगे की तरफ लगाई जाएगी. तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग ये हमारा एमडीएफ का जो बेस है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये पांच लटकन हमारी इस तरह से ग्लू गन से फिक्स कर देंगे. तो एज यू कैन सी हमारा रेडी पीस कुछ ऐसे दिखेगा. वाह, तो मैंने ये लटकन यहाँ पे ऐड करने के बाद आई हैव फिनिश्ड इट विद दिस लेस. अच्छा लग रहा है ना सब लोग। इट्स लुकिंग प्रिटी। नहीं देखिए, आपने लटकन बन गई फट से। आपको घर हाथ से बनानी तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। इजंट इट लुकिंग प्रिटी। तो द बेस इज रेडी. तो हमारा जो सेंटर पीस है हम इस पे फिक्स कर देंगे. बहुत सारी प्रेजेज आ रही है। ऑसम, प्रिटी, वंडरफुल, स्मार्ट। हाँ, एंड दिस स्मॉलर पीस ऑन दिस. अरे सो वाह, एज यू कैन सी आज झटपट पूजा का थाली रेडी टू वेलकम गणपति बाप्पा. तो व्हेन वी कुड ऐड अ दीपक इन द सेंटर, हमारी आरती की थाली रेडी हो गई है. सिमिलरली वी कुड ऐड स्मॉल वाटी, स्मॉल कटोरिया जिसमें हम कुंकू, चावल, हल्दी ऐसे प्लेस कर सके. हमने एक पूजा की घंटी प्लेस कर दी है एंड हियर वी आर रेडी टू वेलकम गणपति बाप्पा विद अ पूजा का थाली. वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंड एज सेड अर्लियर बाय मैम, यही बेस जो हमारी पूजा की थाली का है वी कैन यूज इट फॉर वेरियस डेकोर ऑल्सो. गणेश जी के डेकोरेशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसा कि हम मैंने ये पीस रेडी रखा हुआ है, दिस बहुत पीस वी कुड खूबसूरत। यूज एज अ बैकड्रॉप ऑल्सो. हम गणेश जी के डेकोरेशन में ये बैकड्रॉप पे यूज कर सकते हैं. और हम लोग कई बार ही हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को प्रसाद के लिए, आरती के लिए भी इनवाइट करते हैं. सो वी कुड ऑलवेज प्लेस दिस एज अ प्लेसमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं. वी कुड प्लेस इट ऑन द सेंटर टेबल, वी कुड प्लेस इट ऑन अ डाइनिंग टेबल. तो जैसा कि मैंने छोटे से गणेश जी को यहाँ पे बीच में स्थापित कर दिया है, आई होप यू ऑल कैन सी. यस यस, ऑफ कोर्स वी कैन सी, इट्स वेरी नाइस। और इसे हम लोग हमारे पसंद के फूलों से,
या कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर से हम लोग इस तरह से डेकोर करके हमारा एक सेंटर पीस सेट हो जाता वाओ, है। दिस इज अमेजिंग. और हम लोग इसको रंगोली की तरह भी यूज कर सकते हैं, लाइक आई प्रिपेयर दिस प्लेसमेंट और मैं ये टी लाइट्स पे यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, तो हमारी रंगोली बन के तैयार हो गई है। वी कुड प्लेस दिस इन आर लिविंग रूम, वी कुड प्लेस इट एट द एंट्रेंस ऑफ आर हाउस एंड टू गिव इट अ नाइस गिव नाइस फेस्टिव लुक टू आर हाउस। थैंक आई यू होप यू ऑल योगिता, एंजॉयड इट। दिस इज अमेजिंग. अब अगर योगिता मेरे जैसे बंदे को बनाना ना हो और मुझे रेडी चाहिए कि भैया मेरे को तो मिल जाए, तो फिर क्या होगा? फिर आप मुझे ऑर्डर पे बना देंगी? हाँ जी बिल्कुल मैम। सो थैंक यू योगिता, प्लीज डू शेयर योर टेलीफोन नंबर एंड योर इंस्टाग्राम हैंडल ऑन द चैट, एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. रियली अमेजिंग एंड लवली ब्यूटिफुल. अगर आप पढ़ सकती हैं चैट तो बहुत सारे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू योगिता फॉर सच थैंक यू सच मैम। लवली लवली डेमोन्स्ट्रेशन. अब हम आपको लेके चलते हैं कि चलो ये तो हो गया, कुछ खाने पीने की बात करें कि भगवान आए हैं तो भगवान के लिए कुछ प्रसाद तो बनेगा ही बनेगा. सो प्रसाद बनाने के लिए हमारे साथ हैं प्रियांशी. सो वी आर गोइंग टू हैव प्रियांशी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. तो आप कहेंगे आजकल की यंग लड़कियों को खाना वाना बनाना कहाँ आता है, पर आप हैरान होंगे ये झटपट लड़कियां बहुत झटपट काम करती हैं. प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. हेलो मैम, या यस एम आई ऑडिबल टू यू? यस बिल्कुल. सो वेलकम प्रियांशी, एंड प्रियांशी प्लीज अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें. बट बिफोर दैट योगिता, पीपल आर लुकिंग फॉर योर फोन नंबर एंड ऑल. आई रिक्वेस्ट माई टीम टू पोस्ट योगिता's टेलीफोन नंबर एंड अ कॉन्टेक्ट डिटेल. एंड यस प्रियांशी, नाउ ओवर टू यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी जैन फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश एंड आई एम अ प्राउड मैप स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे हम इस बार गणपति का आगमन कुछ नए स्टाइल में करेंगे। तो आपकी क्या तैयारी है इस बार गणपति के लिए? सो अब ये बातें तो आपसे अभी ऑडियंस नहीं कर पाएगी, तो आप खुद ही ओके अपना बता दें. ठीक है जी. हाँ इस बार मैंने सोचा है कि क्यों हर बार हम पुराने वही मोतीचूर के लड्डू या कुछ काजू की बर्फी लाके भगवान का आगमन करते हैं। तो इस बार हम उन्हीं पुरानी मिठाइयों को एक नया ट्विस्ट देंगे, जिससे बप्पा के साथ साथ हमारे बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे घर के। तो मैं आज आपको पुरानी मिठाइयों से ही एक नया इंस्टेंट केक बताने वाली हूँ, मतलब ताकि हम पुरानी बप्पा मिठाई, का ट्रेडिशनल पुरानी मिठाई से बासी मिठाई का मतलब नहीं है. पुरानी मिठाई से मतलब है ओल्ड स्टाइल मिठाई, ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो है अपने मिठाई. मोतीचूर के लड्डू और वो। ओके जी. तो मैम गिव मी 2 सेकेंड्स, मैं मेरा कैमरा सेट करती हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके जी. सो जब तक प्रियांशी एक अपना कैमरा सेट कर रही है, सो आप ये देखिए कि ये जनरेशन इज रियली वेरी क्विक एंड दे रियली प्लान वेल. सो वी आर हेयर. यस प्रियांशी, वी कैन सी यू नाउ, यू कैन लुक एट अस. यस मैम। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं विद द इंग्रेडिएंट्स। इस केक को बनाने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिएगा, कुछ मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे 2 या 3। सबसे पहले हमें लगेगा पेठा, आगरे का पेठा, और उसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और फिर हमें लगेगा मावा, मावा को भी हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। प्लस हम साथ में हम लोगों को लगेगा खोपे का बूरा और मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू भी हम इस तरह से चूर के रख लेंगे। साथ ही साथ कुछ फ्लेवर्स और डेकोरेशन के लिए हमें ड्राई फ्रूट, केसर और इलायची लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को जो हमने पेठे को, मावे को और जो खोपरे का बूरा लिया था उसको मिला के एक डो तैयार करना है। आपका डो इस तरह का होना चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए। अगर आपका डो आपको लग रहा है, एक मिनट, पहले आपने ये बताया नहीं है. सो आपको खोया, पेठा का कसा हुआ लच्छा और खोपरे को मिक्स करके एक आपने डो, एक गूंद के आटे की तरह बना लिया, इज इट सो? यस मैम, उनको मिक्स करके उसका डो बना लिया है। डो आपका ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना ही ज्यादा आपका गीला होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका डो जो है वो थोड़ा सा गीला है, तो आप खोपरे का बूरा मिला के उसके डो को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, कर लिया. और उसको केक की शेप दे दी. केक की शेप देने के लिए इस तरह की रिंग्स आती है मार्केट में मैम,
ये इजीली मिल जाएगी। इसमें आप इजीली उसको देके शेप दे सकते हैं। ये बहुत तरह की साइजेस में भी आती है, छोटी बड़ी, जितने बड़ा केक आपको बनाना है, जितनी बड़ी फैमिली आपकी है उस अकॉर्डिंग आप इसको शेप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। एंड ये हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो गई, जो केक की हम लोगों ने खोए मावा और उनसे बनाई है। देन इसके आइट साइड हम इस तरह से खोपरे का बूरा भी लगा देंगे, सो दैट वो एक अलग एलिमेंट ऐड करेगा इसमें। ठीक है, तो आपने साइड के अंदर खोपरे का बूरा लगाया। और जब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे, अभी मैं बेस के साथ नहीं बना रही हूँ सेकेंड लेयर, बट जब बेस रहता है तो उसके साथ ही सेकेंड लेयर बनेगी मोतीचूर बेस के मतलब लड्डू जो की। जो मोल्ड है उसके साथ, जो यस आप, मैम, जो तो आप मोल्ड मोल्ड है। लगाकर बनाइए ना, फिर मोल्ड उठा लीजिएगा। ओके सो आप ये मोल्ड रखें, और मोल्ड रखने के बाद में, ताकि वो बिखरेगा नहीं चारों तरफ। तो आपने जो केक बनाया है उसके ऊपर आप मोती चूर के लड्डू का चूरा जो है उसको सेट कर लें। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ इस केक का। अरे वाह, इसमें तो तितलियां भी हैं। इस तरह का फाइनल लुक आएगा मैम केक का। मैंने इसको डेकोरेट किया है अपने पिस्ता से, काजू से, अंदर भी थोड़ी सी इलायची डाली है, और उसके बाद इस तरह की रेडीमेड बटरफ्लाईज मिलती है मार्केट में, तो तो क्या हमें हम इस तरह की बटरफ्लाई। एकदम स्टेबल हैंड से केक का क्लोजअप देखने को मिल सकता है? ये गजानन यस मतलब मैम, गणेश चतुर्थी के लिए, भगवान गणेश के लिए केक बनाया गया है इंस्टेड ऑफ मोदक एंड लड्डू। हैप्पी बर्थडे! वाओ, गणेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, क्या बात है! और वेरी नाइस, और टी लाइट्स भी हैं। इजंट इट ब्यूटीफुल एवरीवन, कि आप और घर के बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आजकल की जनरेशन जो मिठाइयाँ नहीं खाती, उनको ये केक कह के आप खिलाएंगे तो वो जरूर से खाएंगे। हाउ इज द आइडिया एवरीवन? आर यू लविंग इट? आर यू लविंग इट? गीतांजलि सेज वेरी नाइस, क्राफ्टोलॉगर सेज यस वंडरफुल, प्रियांशी दिस इज सो वेरी ब्यूटिफुल। सो डू यू बुक ऑर्डर्स फॉर दीज काइंड ऑफ मिठाईज ऑल्सो? थैंक यू हाँ प्रियांशी, डू यू बुक ऑर्डर्स फॉर दीज काइंड ऑफ यस मिठाई? मैम, आई बुक ऑर्डर्स फॉर दिस काइंड ऑफ मिठाईज आल्सो। थैंक यू प्रियांशी फॉर डूइंग अ ग्रेट 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 वेरी जॉब। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, एंड वी आर इंजॉइंग। अब की बार तो मैंने यही बनाना है, आई विल बी मेकिंग दिस ओनली, और बहुत ही मजा आएगा। कैसा रहेगा? तो हमने एक रंगोली बना ली और प्रसाद बना लिया। अब कोई आएगा घर के अंदर तो हमें कुछ साइड वाइड भी सजानी है, हमें कुछ कोई दीवारों पे भी कुछ लटकाना है। सो हमारे साथ है अनुपमा। सो अनुपमा आज मैप एकेडमी में आई हुई है, और वहीं से शी इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। प्लीज हेलो अनम्यूट योरसेल्फ। या मैम, तम अनुपमा, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं अनुपमा देले से हूँ, और मैं अभी मैंने आपके काम कर रही हूँ आपके साथ। हेलो, करती हूँ अनुपमा के पास पहुंचती हूँ, और ये डेमो कर देखते, मैं भी उसका सब सामान देखती हूँ। ठीक है जी, ओके। हाय यस मैम, यस मैम, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं अपना एक अभी मैंने एकेडमी शुरू, ओ सॉरी, ऑनलाइन काम मेरे शुरू साथ किया है। कोर्स कर रही है, ये मेरे साथ कोर्स कर रही है, एंड शी इज गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अनुपमा कैसे बनाए इसको बताइए। यस मैम, मैं इकबाल हंगिंग के बारे में आपको बता रही हूँ, जो गणेश चतुर्थी के लिए, उसके लिए मैं आपको सामान बताती हूँ। उसके लिए मैंने ये एक रिंग लिया है, रिंग के ऊपर रैप करने के लिए मैंने ये फ्लोरल टेप ली है। फ्लोरल टेप के ऊपर हम ये लगाएंगे लीफ्स की टेप, और एसेसरीज में मैंने ये टसल्स और ये ग्लिटर शीट्स लिए हैं, गणेश जी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे बनाना है। तो हम फ्लोरल टेप के इसके ऊपर, क्योंकि तो मैंने ये ब्लैक लिया है, इसकी जगह आप एम्ब्रॉयडरी रिंग या वुडन रिंग भी ले सकते हैं। तो इसको हम इससे रैप करेंगे ताकि इसकी जो ब्लैकनेस है वो हाइड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस पे रंग लगा होता है तो हम इसको आसानी से स्टिक कर सकते हैं, और हमें इसके लिए एक्स्ट्रा ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जब हम इसको कर लेंगे तो ये एक ऐसे लुक में आ जाएगा। इसके ऊपर हम अब हम लगाएंगे
ये अपनी पतियों वाली लेस। तो अनुपमा हम कुछ और भी लपेट सकते हैं पत्ती की लेस के अलावा? यस मैम, इसी जगह हम गोटा वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम इसको लपेटते जाएंगे। तो मैंने एक रेडी पीस भी देखा था। इसकी एक, हाँ जी, ये एक है रेडी पीस है। दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो नाइस। यस मैम, आप इसको हम इसके ऊपर हम ये नेट लगा के इसकी बैक साइड पे लगाएंगे। पहले हम देखेंगे कौन सी साइड नीट नजर आ रही है, तो उसकी बैक पे हम लगाएंगे इसको नेट को। तो नेट को हम लगाएंगे ग्लू गन से, मैं लगाएंगे इसको ग्लू ड्रॉप से, सॉरी। तो ये जो यूज हो रहा है ये ग्लू डॉट्स हैं, इससे बहुत आराम से आप चीजों को पेस्ट कर सकते हैं जी। इसको स्टिक करने के बाद जो जो ये एक्स्ट्रा नजर आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आपने रिंग लिया, उसको कवर किया और उसके पीछे से नेट लगाया बहुत ही ब्यूटीफुली। यस मैम, अब इसके ऊपर हम गणेश जी को लगाएंगे इस तरफ से। अरे वाह, इसको हम ग्लू गन से चिपकाएंगे। आप ग्लू ग्लू गन का यूज कर सकते हैं, मैं ग्लू ड्रॉप यूज कर रही हूँ यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे आपको कन्वीनियंटली दिखाने के लिए ग्लू डॉट का यूज हो रहा है, अदरवाइज आप ग्लू गन ही यूज करें जी। यहाँ लगाएंगे, अगर पीछे से पत्तियां नजर आ सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ और फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर। ये मैंने ऑलरेडी एक बंच बना के रखा है फ्लावर्स का, इसको भी हम गम से चिपकाएंगे। ये हमने ऐसे लगा दिया। अब मैं एक टसक लगा रही हूँ इसके नीचे डेकोरेशन के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। इसको आप ग्लू गन से जाली को आराम से पेस्ट कर सकते हैं जी, और इसको लटकाने के लिए हम यहाँ डोरी लगाएंगे। आप तैयार पीस दिखाइए ना, तो लटकाना तो सबको आता है, ये सब लगा देंगे। व्हाट इज द रेडी पीस, लेट्स सी। दिस इज द रेडी पीस। वाओ, कैन यू जस्ट हैंग इट अप। इसको क्या बात है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा है सबको, प्लीज टाइप इन यस इफ यू लव इट, टाइप इन यस। और इसी को थोड़ा हैवी बनाने लुक देने के लिए मैंने ये बनाया हुआ, इसको आप हैवी लुकिंग भी दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इसमें आपने हैंगिंग करी है, देखिए कितने सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अनुपमा। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वाओ, यस, ब्यूटीफुल, मतलब सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। सो वी हैव टू ऑफ द हैंगिंग्स। आज तो गणेश चतुर्थी पे हमारे घरों की एंट्रेंस एंड दीवारें बहुत ही वंडरफुल होने वाली है, बहुत ही वंडरफुल। सो अनुपमा, अगर मैं आपको ऑर्डर दूंगी तो क्या आप ये हमें बना के देंगी? श्योर मैम, मैं ये काम करती हूँ और मैं बनाकर दे सकती हूँ। बिल्कुल वंडरफुल है जी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। सो काइंडली अपना नंबर और अपना इंस्टाग्राम हैंडल आप जरूर से शेयर करें। और थैंक यू सो मच, पीपल हु वांट टू ऑर्डर हर कैन देन ऑलवेज ऑर्डर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये बताइए, मजा आया आपको, इंजॉय किया? सिंपल था। और आपको मालूम है ये कटआउट जो है आजकल ये हर जगह आपको मिल जाते हैं, इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद यू नो हमारी अनुपमा के साथ आप टच में हो सकते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट 100 के बाद एंट्री नहीं, सॉरी सो 100 के बाद एंट्री नहीं हो रही, वो उनको चिंता हो रही है वहां पर। इट्स ओके। तो हम एक प्रोग्राम परसों शाम को लेकर आ रहे हैं कि आप जो काम घरों से करती हैं, चाहे वो गिफ्ट पैकेजिंग का मेनली फोकस उस पे, वो ग्रो क्यों नहीं हो पाते, वो बड़े क्यों नहीं हो पाते और छोटे रह जाते हैं। मीन आपने 10-15-20,000-50,000 lakh rupees महीना कमाया और बस, और कैपेसिटी है इन बिजनेसेस की बहुत बड़े होने की। आई विल रिक्वेस्ट मैप अकेडमी। मैंने 2002 के अंदर घर से काम शुरू किया और उसके बाद में, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, मैप अकेडमी।
सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. मैंने 2002 में घर से काम शुरू किया और आज मैं आपको अपना ऑफिस दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वाइन करा क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा था. अब मेरा बेटा, उसने ये ऑफिस लिया है जिस इज सो बिग. आप ये सोचिए, एक घर में काम करने वाली 42 साल की वुमेन, दो बच्चों की मम्मा, जो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, ग्रेजुएट नहीं थी, वो एक इतना बड़ा ऑफिस क्रिएट कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो भी काम आप कर रही हैं या करना चाह रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उसे दोबारा सोचें, इस वेबिनार में जरूर आए और देखें कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकती हैं. कृतिका, कैन यू क्विकली जस्ट गिव अ राउंड ऑफ ग्लिम्स फ्रॉम दैट साइड सो दैट वी मूव अहेड. सो आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ, स्काई इज द लिमिट. आपको ये लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई फर्क नहीं है. आपको ये लगता है कि मैं 40 प्लस हूँ, कोई फर्क नहीं. जो भी आप कर रही हैं उसको अच्छे से करिए. कैन यू सी दिस? कैन यू सी हाउ मच कैन यू डू? हाउ मच कैन यू डू? यू कैन नॉट इवन इमेजिन. सो गर्ल्स, फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि आप में से कौन है जो अपनी इच्छाओं को पंख देना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु रियली वांट टू मूव फ्लाई अहेड? तो अगर डर लग भी रहा है, तो डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है अभी. हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट कपल ऑफ मैप स्टूडेंट्स जस्ट टू शेयर कि क्या उन्हें डर नहीं लगता था. रिचा, विल यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अबाउट कि क्या आपको डर नहीं लगता था जब आपने काम शुरू किया था? So I'm spotlighting you and please unmute yourself. Hello ma'am. मैं कह रहा था कि नहीं, बहुत ज्यादा मैम, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से भी बात वैसे भी कम करती हूँ. बट जब मैंने जैसे आप वेबिनार कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं. हम बहुत डर डर के करते थे और मतलब बिल्कुल ना बोल पाना आना एक्सपीरियंस से ही आता है मैम. जब तक हम करते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है लाइफ में. सो रिचा, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कोच इन योर लाइफ? मैम, कोच इज समवन हु कैन हैंड होल्ड यू एंड टेक यू वेयर यू वांट टू बी. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट. सो मेरा आप लोगों से ये कहना है, डर सबको लगता है. सो डर आपके अंदर है, डर बाहर नहीं है, आप डरते हैं. सो प्लीज बी विद अस. अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कुछ है या डर लगता है, सो वी आर देयर विद अस. आई विल रिक्वेस्ट टीम टू शेयर द नंबर सो दैट पीपल हु वांट टू बी इन टच विद अस दे कैन बी. अगर आप में से कोई भी, देखिए मेरी स्पेशलाइजेशन गिफ्ट पैकिंग की है, लेकिन बिजनेस को मैं जानती हूँ और घर से करने वाले बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. मैंने ये शोरूम किया, मेरा शोरूम इस तरह से ऊंचा था, मेरे बेटे का शोरूम इस तरह, और अब मैं उसे गाइड कर रही हूँ कि वो एक अलग ढंग से उसे चला रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल. सो रिचा, यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट. सो यहाँ पे एक नंबर आपको आया है 8800991250. आप इस नंबर पे फोन करके अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ले सकती हैं. अब मैं आपको एक बहुत ही यंग पार्टिसिपेंट की तरफ लेके जा रही हूँ, और उससे सीखने से पहले मैं उसको ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो एग्जाम्स भी नहीं दिए थे तुमने पूरे, तो ये जुनून कहाँ से आया? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ भक्ति. सो वी आर गोइंग. सो भक्ति फ्रॉम चंडीगढ़. भक्ति, आपकी उम्र क्या है? तो भक्ति 18 साल की है, इन्होंने 12th के एग्जाम्स अभी दिए हैं, और ये गिफ्ट पैकेजिंग की दुनिया में ऐसी बातें करती हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएं. मतलब पंख है भक्ति. आपको डर नहीं लगता? मैम, बहुत डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट. हर एक छोटा स्टेप लेने से बहुत डर लगता है, बट जब हमारी फिर ग्रोथ उसी से होती है, अगर वो एक छोटा स्टेप ले लिया उसके बाद ही ग्रोथ है. क्या बात है. और भक्ति, अभी आप मैप की कोर्स भी कर रही हैं और आज आप इतनी कॉन्फिडेंटली खड़ी हैं इतने लोगों के बीच में, फेसबुक पे आपको कितने लोग देख के, कैसा अंदर से कैसा महसूस हो रहा है इस समय? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म मिला है कि इस पे एक चांस मिला है कि कुछ कुछ ना कुछ बन सकती हूँ इससे.
तुम ऑलरेडी बहुत कुछ हो। सिर्फ हम सब कुछ हमारे अंदर प्रतिभा होती है, सिर्फ निखारना है। सो आज भक्ति पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ताकि लोग आपके बारे में जाने। हेलो एवरीवन, माय नेम इज भक्ति वर्मा एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मैं आज यहाँ पर आपको कुछ क्विक हैक्स बताने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के लिए, जो कि आप अपने डेकोरेशन में घर पर बैठे बैठे यूज कर सकते हैं और बिल्कुल घर के सामान से। क्या बात है, चलिए जी शुरू हो जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने ये ट्रे लिया है। ये एक नॉर्मल ट्रे है जो कि सबके घरों पे अवेलेबल होती है। मैंने उसको उल्टा करके बेस यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ाया है, फिर उसके ऊपर पेपर लगाया है और इसके हैंडल उल्टे की तरफ लगा दिए ताकि हम लोग इसके ऊपर डेकोर कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास ये गेंदे के फूल है आर्टिफिशियल, हम इससे आज डेकोर करेंगे। मैं सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करके केमिकल वायर से इसको एक सिक्योर कर दूंगी केमिकल वायर से। तो ये एक तार है, तार से वो फूलों को बांध रही है आगे से, पहले सिक्योर कर रही है। मैं इसको यहां से उसके बाद ट्रे से भी सिक्योर कर दूंगी ताकि हम लोग इसके ऊपर आराम से वर्क कर सकें और हमें काम करते हुए प्रॉब्लम ना हो। अब ये आराम से सिक्योर हो गया है, हमारी ट्रे पे आराम से ये फ्लावर सिक्योर हो गए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे रोल करना। मैंने दो दो लड़ियां बिल्कुल आपस में जोड़ ली है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सबसे पहले मैंने इसको एक ऐसे कुछ रोल दिया, बहुत बढ़िया। तो दो बहुत ही खूबसूरत कलर है भक्ति, दे आर ब्यूटीफुल कलर्स और बहुत सिंपली वो, तो मतलब आपको सिर्फ उस जो आपने एक हैंडल बनाया है उसके अराउंड रोल करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और ये बहुत इजीली ट्विस्ट हो रहे हैं, हमें कोई स्ट्रगल कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ऊपर से अच्छे से सिक्योर किया हुआ है एंड हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हमारा ये हैंडल यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया, हम इसको थोड़ा सा नीचे को कर सकते हैं। Somebody is asking, is it real flower? No, these are artificial flowers. तो अब हम लोग एक केमिकल वायर लेंगे और लास्ट वाले फ्लावर्स को उससे सिक्योर कर देंगे। कुछ ऐसे। क्या बात है, जान आ गई इसमें। अब क्या करना है भक्ति? अब एक और केमिकल वायर लेकर मैं इसमें एक बड़ा मोती, वाइट मोती पर होने वाली हूँ और बिल्कुल एंड पर रख के इसको मैं इसको भी सिक्योर कर दूंगी ताकि बाहर नहीं निकले। तो आपने वायर को हाँ लेके उसको मोड़ दिया ताकि वो बाहर ना निकले। जी, अब मैं एक डेकोरेशन पीस अपना छोटा सा यूज कर रही हूँ और इसको इसकी ऑपोजिट साइड से उसी के उसमें फिरोकर कुछ ऐसे। वेरी नाइस। और अब एक गोल्डन मोती की लड़ी ली मैंने, गोल्डन मोती की लड़ी। ओके, ये आप जो आपने ये बेल्स जैसी बनाई है ये मोती की लड़ियों से टांगनी है? हाँ जी मैम। ओके, तो ये इसका जो लास्ट वाला मोती है हम इसको फिर से सिक्योर कर देंगे एक केमिकल वायर लेकर। एंड एक्स्ट्रा वायर को हम यहाँ से कट कर देंगे। बहुत ही छोटा प्लायर है भक्ति, तुमसे बड़ा है ये प्लायर तो। तुम छोटी हो। तो रेडी रेडी दिखा दीजिए, आपके पास रेडी भी रखे हुए। ओके, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत। अब हम इसको एक इसका एंड फिर से जो लास्ट वाला मोती है उसको सिक्योर करके हम इसको यहाँ पर हैंग करते हैं।
वेरी नाइस। अब ये करने के बाद मैंने एक बेस लिया, उसके ऊपर एक और गोटे की, मेरे पास दो रिंग्स हैं, मैंने वो यूज करी है कुछ ऐसे, ताकि यहाँ पर हम लोग अपने गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर हम टी लाइट के कुछ यूज करेंगे। ये मेरे पास होल्डर है, टी लाइट होल्डर, दो टी लाइट होल्डर और एक बेस है उसका। तो मैं बहुत आराम से इस टी लाइट होल्डर बेस पे ग्लूगन लगाकर एक फ्रंट साइड पर ऐसे इसको सिक्योर कर दूंगी ग्लूगन के साथ, और इसकी बैक साइड पर एक और टी लाइट होल्डर पेस्ट करें। वाह, ये तो स्टैंड के साथ टी लाइट होल्डर बन गया, बहुत ही सुंदर जी। बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर इसको डेकोर करने के लिए इसका हम छोटे छोटे से फ्लावर यूज कर सकते हैं, जो हमने सेम जैसे करे हैं उसको ही मैंने खोलकर मैं अब इसको पेस्ट कर दूंगी इसके ऊपर ही। तो आपने गेंदे के फूल को ही खोलकर उसके जो पीसेस निकाले हैं टू पेस्ट इट। जी बिल्कुल। हमारा टी लाइट होल्डर भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी तैयार किया है, उससे थोड़ा सा अलग है, बट आपको एक और आइडिया मिलेगा उससे। देन वंडरफुल जी, तो ऑलरेडी पीस रेडी है और उसका एक सेकंड आइडिया है। वी आर एब्सोल्युटली वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। रॉड लगाई थी हैंग करने के लिए, और बीच में केमिकल वायर से मैंने ये बेल्ट का लुक दिया है इसको। एंड हम यहाँ पर सेम, बहुत ही सुंदर, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं भक्ति आपको, बहुत सारे। कुछ ऐसे करके बीच में हम अपने गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं कुछ। क्या बात है, क्या बात है, This is really lovely, stunning. और कुछ गोटे लगा रखे हैं आपने फूलों के बीच में। जी मैम बिल्कुल, that was given कि उसको थोड़ी सी beautify हम और कर सकें। बहुत, जैसे ही सुंदर आप हैं वैसे ही सुंदर आपकी क्रिएशन है भक्ति। वी आर सो प्राउड ऑफ हैविंग यू एज आवर स्टूडेंट, एंड यू आर गोइंग टू गो रॉकिंग इन योर फ्यूचर। तो हमारा जो मिशन है ना, Having India as a gift packaging nation of the world, आप उसका भविष्य हैं। Thank you so much for giving us an opportunity. जल्दी से अपना टेलीफोन नंबर और अपना Instagram handle आप अपने चैट में डालें, ताकि जो लोग आपसे बना बनाया भी लेना चाहते हो वो भी ले सकें, जो आपको कनेक्ट करना चाहते हो वो भी हो। तो सुनैना ने डाल दिया है भक्ति का नंबर एंड ऑल, सो दिस इज 7347470444। थैंक यू भक्ति, इट इज अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल। कैसा लगा आप सबको, मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। कितना रंगोली बना ली, दीवारें सजा ली, प्रसाद बना लिया हमने, और अब ये इतना खूबसूरत झूला, झूला भी कहो या नीचे को, मेरे को मतलब दिल खुश हो गया, और क्या बताऊं। सो अब हम चल रहे हैं एक और ग्रैंड फिनाले की तरफ। सो आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट एंड टेक यू टू संजना, जो आज हमारी एकेडमी में आई हुई है टू पार्टिसिपेट फ्रॉम देयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी में आते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके प्लीज, और यहाँ से कंफर्ट के अंदर दे प्रैक्टिस आल्सो विद अस। सो संजना, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम संजना बंसल है, मैं आपकी स्टूडेंट। संजना जोर से बोलिए, आपकी आवाज धीरे से आ रही है। हेलो एवरीवन, आई एम संजना बंसल फ्रॉम गुड़गांव, आई थिंक इट्स नॉट कनेक्टेड, जस्ट वन मिनट, आई थिंक द ईयरपॉड्स आर नॉट कनेक्टेड। ओके, हाँ Yes, Sanjana. Hello, everyone. I am Sanjana Bansal from Gurgaon. I am a MAP student. Disconnect. Earphones disconnect. So,
क्योंकि संजना की आवाज क्लियर नहीं है, लेट्स हैव दैट एयरफोन डिस्कनेक्टेड सो दैट शी कैन टॉक अदरवाइज, जस्ट गिव अस अ मिनट सो दैट हर वॉइस इज वेरी क्लियर। और ये याद रखिएगा आप सब कि संजना का ये पहला लाइव है, एंड संजना इट इज यू लुक ब्यूटिफुल, यू आर अ ब्रेव गर्ल, एंड इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट नॉट टू बी ऑल राइट। ठीक है जी, चलिए शुरू करते। Hello everyone, I am Sanjana Bansal from Gurgaon. I am a map student. मैं आज आपको फ्लोरल रंगोली डेकोरेट करके दिखाऊंगी। उसके लिए क्या क्या इंडिकेट चाहिए वो देखते हैं पहले। जैसे ये लीव्स है, हमें ग्रीन लीव्स नहीं है, जो इजिली भी आपके घर पे प्लांट में होती है, मनी प्लांट है, छोटी लीव्स जो प्लांट में अवेलेबल आपके घर में इजिली मिल जाते हैं आपको। उसके बाद ये हम फ्लावर्स हैं, गेंदा फ्लावर्स है, बेला फ्लावर्स है, रोज फ्लावर्स की है, ये सारे हम मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये एमडीएफ का मोड लिया है रंगोली का, जो आप अपने डिजाइन के हिसाब से मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये गेंदा के फ्लावर लेंगे, उसको टाइटली होल्ड करते हैं आगे से, और कैची से इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टाइट कट करेंगे। ये फ्लावर की तरीके से इस तरीके से हम इसे डेकोरेट करते हैं। ये तो बहुत ही यूनिक तरीका है संजना, इट इज वेरी नाइस कि इस तरह से पत्तियों का सिर्फ ऊपर का हिस्सा सामने आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये इस तरीके से हमने इसे सारे को डेकोरेट करते हैं। ये बेरा फ्लावर से ये हमने इसको कवर अप किया। तो संजना आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही है, उन्होंने पीस रेडी भी कर रखा है आपके लिए कि भाई जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें गेंदा से करें और जो दूसरा खन है उसे बेला से करें। ये हमने इसे बेला से डेकोरेट किया है, फुली कवर अप बेला फ्लावर्स, एंड बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये हमें गणेश जी को विराजित करने के लिए रोज की डीप इसके ऊपर डेकोरेट करिए। देन ये हमारा डेकोरेटिंग पीस है। सो एक पीस में टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी फूल सारा लगाया हुआ है, क्या बात है, वाओ। ये हम टी लाइट लगाएंगे। यस सुरभि, दिस इज अवेलेबल, शी विल शो यू आल्सो इन अ प्लेट। ये हमने इसे इस तरीके से किया है। उसके बाद हम सर्कुलर लेंगे, जिसे हमने लीफ से, जो ग्रीन लीफ थी उससे कवर अप किया हुआ इस तरीके से। तो आपने एक ओवासिस लिया और ओवासिस को मनी प्लांट की पत्तियों से कवर करके भगवान के पीछे रखा। ये हमने इसे से डेकोरेट किया। बहुत ही सुंदर। उसके बाद ये हमने प्लांट की है, जिसे हमने राउंड शेप में कट ऑफ किया है। उसके बाद हम इसे गोल्डन स्पेसियो से, गोल्डन स्पेसियो हमने उसे डिस्प्ले किया है। बहुत ही, इसकी तो रूप बदल गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो भगवान के पीछे जो ओवासिस रखा है उसके अंदर आपने इस पत्ते को दिया। सो ये ताड़ के पत्ते हैं। एक के बाद एक तीन साइज का ये पत्ते कटे हुए, क्या बात है, क्या भगवान का पीछे का बैकड्रॉप बना है। Very well. Can we all applaud? It is so beautiful. क्या बात है? This is, isn't it looking pretty? अगर आप भगवान की झांकी बना रही हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत है. It is so beautiful. ये हम टी लाइट से आगे अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो ये ट्रे वगैरह अगर हटा दें तो और भी आपको जगह मिल जाएगी। संजना जो भी काम करती हैं पूर्ण तय करती हैं।
बहुत ही खूबसूरत. कैन यू रिमूव एक्स्ट्रा स्टफ फ्रॉम द टेबल प्लीज. संजना दूसरी तरफ से चले जाओ. इस तरीके से हम अपने गणेश जी को सुंदर फूलों में डेकोरेट कर सकते हैं. क्या बात है, क्या इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है संजना आपने तो. और फटाफट हो गया ये तो, इट्स क्विक. हम लोग को तो इतना टाइम लग जाता है बनने में. तो संजना आज आप जब ये बना रही है तो कैसा लग रहा है आपको? आप अपने क्रिएशन के पास आइए संजना. तो ये संजना का पहला वेबिनार है. सो मीनू सचदेवा इज गिविंग क्लैप. मी शो द क्लोज अप ऑफ द टी लाइट कैंडल्स. कल्पना से माय प्रॉब्लम सॉल्व. So this is bahut bahut sundar. Ruchika Singla says, can we have a full look of the entire piece again? Bahut hi sundar, it is very very beautiful. Richa says, love you Sanjana. Madhu says, beautiful. Everybody is finding it so very nice. Meenakshi says, very nicely decorated. Sanjana please apna telephone number aur apna Instagram handle aap zarur se चैट पे डालें. अगर लोगों को ऐसा कोई बोर्ड चाहिएगा रंगोली का सो दे विल बी इन टच विद यू, वो आपसे बात कर लेंगे. सो प्लीज शेयर संजनाज नंबर. संजना इज बीइंग, शी इज हैप्पी, हर फर्स्ट वेबिनार इज डन ब्यूटीफुली. वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज सो गुड. आपको कैसे लगे ये सारे डिजाइन? कैसे मैप इल्यूमिनाइज को कैसा लग रहा है? उनका भी जब टाइम था वो ऐसे ही किया करते थे एंड दे यूज टू क्रिएट सच लवली स्टफ. सो विद दिस हमारे डिजाइन्स आज के कंप्लीट होते हैं. और मैं आपको फिर बता रही हूँ, 2 सितंबर को हमारा PP6 शुरू हो रहा है. अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा हो कि उसने प्रोफेशनल पैकेजिंग करना है या वो आप उस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, सो यू कैन बी इन टच विद अस. एंड we are going to do a webinar कि आप अपने घर के बिजनेस को स्पेशली गिफ्ट पैकेजिंग को बहुत ही बड़े स्केल में ग्रो कैसे कर सकती हैं, हाउ डज दिस बिजनेस वर्क, व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस. अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं तो आप जरूर से हमसे टच में रहें. टीम का नंबर आपके पास है 8800991250 और संजना का नंबर भी यहाँ पर है 9209205339710. So you can be in touch with Sanjana for anything. So with this, I'm going to now unmute you. So ab aap unmute kar sakte hain apne aap ko. If there is any question, please you can ask me. You can unmute yourself and if there is anything you want to ask. If there is anything anybody wants to ask, please unmute yourself. Nitika, can we unmute? नितिका कैन यू अनम्यूट, तो ताकि पता लग जाए पर्सन. ओके ठीक है जी. सो इफ देर इज नो क्वेश्चन विल से बाय. टू मीट यू अगेन. हम जो हमारा 7th से 9th वाले जो वीक हैं वहां से वंस अ वीक शुरू करेंगे दिवाली के वेबिनार और एक्सक्लूसिव चीजें लेके आएंगे, जुगाड़ चीजें लाएंगे, क्विक चीजें लाएंगे. मैप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑफलाइन के जो मैप स्टूडेंट्स रहे हैं एलुमनाई उनको भी इन्विटेशन है टू बी देयर. थैंक यू सो मच. आप लोगों की आंखों में ही इन स्टूडेंट्स की सुंदरता है. ये जब आपको दिखाते हैं आपकी एप्रिसिएशन में ये ग्रो करते हैं, आपके यहाँ होने से उनका मान है. कैन वी ऑल स्टूडेंट्स थैंक ऑल आर ऑडियंस? कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर देम? कैन ऑल मैप स्टूडेंट थैंक यू? थैंक यू सो मच. सो विल मीट यू अगेन. अब की बार गणेश चतुर्थी मनाइए और फिर हम दिवाली लेके आपके साथ आएंगे, करवा चौथ लेके आपके साथ आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.